नमस्कार दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। अभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के चुनावों के जो नतीजे आए हैं उसमें तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने किसी ना किसी तरीके से सरकार बनाई है। त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है, जबकि मेघालय और नागालैंड में वो कोरिलेशन में गई है। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, ये सवाल अभी नेशनल लेवल पर डिस्कस नहीं किया गया है लेकिन इसके बारे में चर्चा किया जाना बहुत ज़रूरी भी है। देखिए, अब तक एक छवि थी बीजेपी की कि वो जो ईसाइयों के खिलाफ है। साउथ के स्टेट्स में ऐसी चर्चाएं अक्सर रही हैं, केरल में ऐसी चर्चाएं होती रही हैं कि ईसाइयों पर बीजेपी हमले कराती है, ईसाइयों के खिलाफ आंदोलन चलाती है, धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ अभियान चलाए गए हैं, पादरियों पर हमले हुए हैं, बहुत सारे मामले जो क्रिश्चियंस की जो सोसाइटीज़ हैं उनमें गए हैं शिकायत के, मानवाधिकार के साहब ईसाइयों पर अत्याचार किया जाता है हिंदू आउटफिट्स के द्वारा। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने इन ईसाई प्रधान राज्यों में सफलता हासिल की है। देखिए, जो आंकड़े हैं आंकड़े बताते हैं कि नागालैंड में 75% ईसाइयों की आबादी है, मेघालय में 88% ईसाइयों की आबादी है और दोनों जगह बीजेपी सरकार में गई है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ भी बीजेपी सरकार में है, वहाँ भी 30% आबादी ईसाइयों की है। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस इसको मुद्दा नहीं बना सकती थी? कांग्रेस जो माइनॉरिटीज़ के वोट लेने के लिए इतना सब कुछ करती रहती है, वो क्या कर रही है ऐसे मौके पर? लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी जो विदेशों में आकर जाकर जो भी कह रहे हैं वो सब बेमानी हो जाता है, सब चीज़ें बेकार साबित हो जाती हैं। भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट शून्य रहा है, ये कई बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट ने भी मान लिया है। वो उस तरह के एनालिस्ट जो हमेशा कांग्रेस के समर्थन में रहे हैं उन सब लोगों का भी मानना है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह के बयान दिए हैं, जिस तरह की भाषणबाजी उन्होंने लंदन में कैम्ब्रिज में जाकर की है, उससे नुकसान हुआ है कांग्रेस को। और उन्हें इस भाषणबाजी को करने के लिए इंग्लैंड जाने से बेटर ये था कि उन्हें जाना चाहिए था नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में और वहाँ पर अभियान चलाया जाना चाहिए था। आपको ध्यान होगा कि अमेरिका में एक अभियान चला था राष्ट्रपति चुनाव के समय के ब्लैक लाइव्स मैटर, उन्हें चलाना चाहिए था कि क्रिश्चियन लाइव्स मैटर, कि क्रिश्चियनों के सेंटिमेंट्स को भी अगर कांग्रेस नहीं भुना पाई तो फिर वो क्या करेगी। ये बहुत सारे जो जाने माने दिग्गज हैं उनके मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, उन सब में ये बातें निकल कर सामने आई हैं कि अगर ईसाइयों के लिए कुछ कांग्रेस नहीं कर पा रही है तो फिर इस देश में कोई कुछ नहीं कर पाएगी। ईसाई प्रधान इलाकों में अगर बीजेपी जीत रही है तो फिर समझ लीजिए कि कांग्रेस का बंटाधार होना तय है। और फिर राहुल गांधी के पास तो मौका है, उनकी माँ क्रिश्चियन है, उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा वो क्रिश्चियन है, उनके जो ग्रैंड फादर थे वो पारसी थे फिरोज गांधी, इसके अलावा उनकी चाची मेनका गांधी, अगर उन्हें वो चाची मानते हैं तो सिख हैं। वो खुद ये भी कह सकते थे मैं तो एक बहुत सेकुलर फैमिली से हूँ और हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी है, विविधता वाला जो हमारा परिवार है और मैं उस परिवार से आता हूँ तो मैं तो देश को एक करना चाहता हूँ। लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में देश को एक करने के लिए तो गए लेकिन उसके बाद फिर भाषण देने लगे, वही मोदी मोदी गाने लगे, कोई नयापन नज़र नहीं आया। और यही वजह है कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने जो काम किया है वो अद्भुत काम किया है। आप सब जानते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर किसी भी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के जड़ें गहरी नहीं हैं, ना वहाँ कांग्रेस का गढ़ है ना वहाँ बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी ने तो अभी दो बार से त्रिपुरा का चुनाव जीता है, वरना बीजेपी को कौन पूछता था? असम के चुनावों से पहले, असम में जब चुनाव जीते बीजेपी ने इससे पिछले वाले टर्म में, तो पहली बार बीजेपी ने वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में अपनी कहीं सरकार बनाई थी, बहुमत वाली सरकार। लेकिन बीजेपी ने इस अपॉर्चुनिटी को भुनाया, नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट का काम कराया, नरेंद्र मोदी ने उस इलाके को फोकस किया। भले ही ये कहा जाता हो कि बीजेपी क्रिश्चियंस विरोधी या माइनॉरिटीज़ के अल्पसंख्यकों के विरोधी पार्टी है, लेकिन उन्होंने वहाँ काम सबके लिए बराबर किया। वहाँ के किसानों को भी सम्मान निधि का पैसा मिला, वहाँ भी जो है उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे गए, सारे काम किए गए। लेकिन राहुल गांधी जिस सेंटिमेंट पर वहाँ चुनाव जीत सकते थे वो वहाँ पर प्रचार करने ही नहीं गए। ये खुद कांग्रेस के जो समर्थक हैं, जो कांग्रेस की राजनीति को कवर करने वाले पत्रकार हैं, मैं उनके बयान आपको बता रहा हूं। और अगर उन्होंने इस तरह का कोई अभियान चलाया होता, वहां के क्षेत्रीय दलों से संपर्क किया होता तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलती। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस घबराई हुई है,
वो अल्पसंख्यकों की लड़ाई का बैगेज अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहती। उसे ये लगता है कि ये एक लायबिलिटी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर हम सारे अल्पसंख्यकों के ठेकेदार बन जाएं। इसलिए समय समय पर राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने लगते हैं, माथे पर टीका लगाने लगते हैं, जनेऊ धारण करने लगते हैं, मंदिरों में जाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम अल्पसंख्यकों के ठेकेदार बन गए तो हिंदू वोट तो हमसे कट ही जाएगा। तो राहुल गांधी और कांग्रेस कन्फ्यूज हैं, उन्हें किस तरीके से नरेंद्र मोदी को हराना है ये समझ नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि राहुल गांधी को अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी बनाकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी अपना काम आसानी से निकाल ले रहे हैं। मैंने ये छोटा सा वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया कि जो स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं वो ये चीज़ें भूल जाते हैं कि किन चीज़ों को लेकर चुनाव में मुद्दा बनाया जा सकता है। जो जिन ईसाइयों पर कहा जाता था कि बीजेपी और हिंदूवादी संगठन जुल्म ढा रहे हैं, उन स्टेट्स में आज बीजेपी सरकार बना रही है। ये कुछ रणनीति के तहत ही हुआ है। नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह की जोड़ी ने वहाँ काम किया है, डेवलपमेंट किया है, वहाँ के लोगों से जुड़ने की कोशिश की है, लोगों के मन से इस भाव को मिटाने की कोशिश की है कि वो ईसाइयों के विरोधी हैं। और यही वजह है कि जो वामपंथी हैं वो घबराए हुए हैं कि कहीं केरल में भी बीजेपी ऐसा ना कर ले, और ऐसा होने जा रहा है। आप देखते रहिएगा कि ऐसा ही होने जा रहा है। मुझे लगा कि इस छोटे से मुद्दे पर आपकी जानकारी जरूर लाई जानी चाहिए और इस पर चर्चा की जानी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है आपसे। नमस्कार।